एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। खबर मुंबई से। मुंबई में नए साल की पार्टी के दौरान 19 साल की एक लड़की की उसके दो दोस्तों ने हत्या कर दी। ये मामला मुंबई के खार इलाके का है, जहां भगवती हाइट्स नाम की इमारत की छत पर पार्टी चल रही थी और इसी पार्टी में शामिल थी 19 साल की जानवी कुकरेजा। खार पुलिस के मुताबिक जानवी ने अपने करीबी दोस्त को दूसरी लड़की के साथ देख लिया था। इसके बाद दोनों में बहस होने लगी। आरोप है कि इसके बाद लड़के ने लोहे के ग्रिल पर जानवी का सिर कई बार पटक दिया। इस दौरान जानवी ने बचने की काफी कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो गई थी। जानवी के घायल होने के बाद आरोपी लड़का और लड़की वहां से चले गए। बाद में उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जानवी के दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई में यह हादसा हुआ नए साल की पार्टी के दौरान। 19 साल की एक लड़की की उसके दो दोस्तों ने हत्या कर दी और ये मामला मुंबई के खार इलाके का है, जहां भगवती हाइट्स नाम की इमारत की छत पर पार्टी चल रही थी और वहीं पर यह पूरी घटना हुई। खार की इसी इमारत में रूफ टॉप पर 31 दिसंबर की पार्टी चल रही थी, जिस वक्त कई युवा वहां पर उपस्थित थे। ऐसे में दो लोगों ने मिलकर एक 21 साल की लड़की की हत्या कर दी। जानवी कुकरेजा नाम की लड़की, जो कि महज 22 साल की थी, उसकी डेड बॉडी सीढ़ियों पे मिली, जिसके बाद पूरी सनसनी मच गई और फिर खार पुलिस स्टेशन के लोग, क्राइम ब्रांच के लोग यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने जांच करनी शुरू की, सीसीटीवी की को स्कैन किया। उसके बाद इस पार्टी में जो लोग आए थे उनसे भी पूछताछ की और फिर पुलिस को पता चला इस हत्या के पीछे दो लोगों का हाथ है, जिसके बाद पुलिस ने पार्टी में शामिल हुए दो लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैमरामैन सचिन के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज मुंबई। और इस पूरे घटना पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, एक बार वो भी आपको सुनवा देते हैं। 31 दिसंबर की नए साल की पार्टी थी टेरेस के ऊपर। वहां पे पार्टी खत्म होने के बाद वो जो विक्टिम और दो आरोपी स्टेयरकेस से नीचे आने के बाद उनके आपस में उनमें झगड़ा हुआ और उसमें एक लड़की की मौत हुई है। उसके बारे में गुनाह दाखिल किया हुआ है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।